हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीके आर्ट्स एंड क्रिएशन। में आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होता है, आप उसको दबा दीजिए, और उसके साथ एक बेल आइकॉन का बटन होता है, आप उसको भी दबा दीजिए। ऐसा करने से मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। मैं जो भी नई वीडियो डालूंगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम एम्ब्रॉयडरी मशीन से बटन कैसे बनाएंगे। वो जो हम सूट के ऊपर फैंसी बटन लगाते हैं, वो हम मशीन से कढ़ाई करके कैसे लगाएंगे। उसको उनको हम कॉइन को ऐसे रखेंगे और उसे पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ऐसे करके ये देखिए, ऐसे ही हमने जितने बटन बनाने हैं और अलग अलग डिजाइन से बनाने, तो इसके लिए हम थोड़े राउंड बना लेंगे। ये थोड़ी दूरी दूरी पर बनाएंगे, एक डेढ़ इंच के आसपास राउंड बनाकर, और उसके बिल्कुल सेंटर में हम कोई भी फूल ड्रॉ कर लेंगे। चार बनाने हैं ऐसे फूल, हम चार बटन में बना लेंगे। यहां पर हम दूसरा पैटर्न बनाएंगे, जैसे कोई एक राउंड डाल लीजिए, उसके साथ एक राउंड, तीन चार बटन हम ब्लैक कलर के ऊपर बनाएंगे। ब्लैक के ऊपर भी ऐसे आप इस कॉइन को रखेंगे और व्हाइट पेंसिल से आप ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, दूसरे राउंड में हम दूसरे कलर से बनाएंगे और दूसरे टांके से बनाएंगे। आपके प्लेन सूट पर जो एम्ब्रॉयडरीड सूट होता है, आप उसके ऊपर जो अगर बटन लगाना चाहें, तो आपकी जिस कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई होगी आप उस कलर के बटन बना के लगा सकते हैं। यहाँ सेंटर पे आप एक एक डॉट्स लगा दिए और उसके ऊपर कढ़ाई करेंगे। देखो, इसको हम जीरो टांके से बनाएंगे, ऐसे गोल गोल करके। हम यहां पर ब्लू कलर से करेंगे, और इसके आसपास हम गोल्डन कलर से इसको लगाएंगे। एक दो लाइन हम अगर आप चाहें तो ये फूल के बीच में गोल्डन कलर की बिंदी भी बना सकते हैं।
सिंपल आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं या इसकी आउटलाइन गोल्डन से भी कर सकते हैं। ये देखिए इससे थोड़ा थोड़ा हम ये कपड़ा थोड़ा सा इससे ज्यादा रखेंगे, इसको बिल्कुल साथ साथ नहीं काटेंगे। करने के बाद और इसको गोल कटिंग करने के बाद हम इसको ये नीडल से यहाँ से कच्चा कर लेंगे। इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा ये देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा हम कच्चा कर लेंगे। ये हम राउंड में सारा कच्चा टांका लगा लेंगे। ऐसे हम पूरा यहाँ पर ऐसे कच्चा कर लेंगे। कच्चा करने के बाद इसको थोड़ा हम खींचेंगे और कुछ बटन हैं थोड़े बड़े साइज के, इसको हम एक बटन को इसके बीच में ऐसे रख देंगे। ऐसे इसको उल्टी साइज साइड में रखेंगे, ऐसे रख के। और ये देखिए इसको हम ऐसे धागे को थोड़ा सारा खींच लेंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे ये बटन बन जाएगा, ऐसे ये बटन बन जाएगा। आप इसके बाद इसमें हम इसको पीछे से इसको पीछे से अच्छी सी तरह टांके लगा देंगे। ये देखिए ये देखिए हमारा ऐसे ये बटन तैयार हो गया। इसी तरह हम सारे बटन को तैयार करेंगे। तैयार करके मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। इसी तरह काट कर और फिर उसी तरह बटन बनाएंगे जैसे मैंने आपको बनाना बताया है। एक्रिल ग्लू लगाकर आप यहाँ पर स्टोन चिपका सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पर इसको यहाँ पर स्टोन चिपका सकते हैं।